हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? तो गाइस, आज मैं आपके सामने कैस्टर ऑयल से एक सनस्क्रीन बना के दिखाऊंगी जो आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने में सबसे बेस्ट होगी। और ये क्रीम आपको आसानी से घर पर बना सकते हो। जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड करने हैं वो भी आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। और ये इस सनस्क्रीन बहुत ही ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक होगी और आपकी स्किन को कोई हार्मफुल नहीं होगा। लड़के हो या लड़कियाँ हो, बूढ़े हो, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सभी से बनाने के लिए आपको ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम तैयार हो जाएगी, आपकी स्किन में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। तो इस कैस्टर ऑयल में सारा लिखा भी हुआ है कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, एक्ने से प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और जो आपकी स्किन में स्टैक्स मास आ जाती है, जैसे कि फाइनेंस आ जाती है, शाइयां आ जाती है, उससे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। और साथ में जो आपकी पिगमेंटेशन होती है उसको रिड्यूस करेगा। तो इतना अच्छा, इतना कुछ कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा इसका रिजल्ट। तो मैंने इससे आज एक सनस्क्रीन तैयार की है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सनस्क्रीन कैसे तैयार करनी है और इसे यूज़ करके भी बताऊँगी और इसका रिजल्ट भी देखना आप, कि आपको रिजल्ट भी बहुत इसका जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। स्किन आपकी डे बाय डे ग्लो करने लगेगी और आपको सन से भी प्रोटेक्ट करेगी। स्किन आपकी जो टैनिंग आ जाती है, जिनकी स्किन, जिन लड़कियों का या लड़के हों जिनको धूप में ज़्यादा काम होता है, वो ये सनस्क्रीन लगा के जा सकते हैं अपने काम पे। उसके किरणों से भी बचाई रखेगी आपकी स्किन को और आपकी स्किन में ग्लो डे बाय डे लगाएगी और फाइनेंस से, शाइयां से, पिंपल के दाग धब्बों से भी इसको बचा के रखेगी, हेल्प करेगी पूरी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सनस्क्रीन कैसे तैयार करनी है। तो उसे तैयार करने के लिए सबसे पहले, आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। इस वीडियो अंत तक जरूर देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये वीडियो कैसे तैयार, ये सनस्क्रीन कैसे तैयार करनी है और इसे कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे तैयार करनी है। तो करते स्टार्ट, लेट्स स्टार्टेड। तो चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट से सनस्क्रीन कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये कैस्टर ऑयल की, कई कहते हैं कि हम भी कैस्टर ऑयल से स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, इससे बाल आ जाते हैं, स्किन में बेनिफिट नहीं है, ये वो, कई कमेंट मैंने देखे हैं। तो मैंने आपको स्पेशल बता रही हूँ कि इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये कि स्किन के लिए भी सबसे बेस्ट है, बालों के लिए भी सबसे बेस्ट है और हेल्थ वाइज भी सबसे बेस्ट है। इन्होंने सारा लिखा भी हुआ है कि ये स्किन को, ये एक्ने होते से रिड्यूस करता है, स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइजर करता है, जो ब्लेमिश होते हैं, उनकी शाइयाँ होती है, फाइनेंस होते हैं, उसे क्लीन करता है, उसे काफ़ी हद तक ठीक करता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। तो इसका क्यों ना रिजल्ट स्किन पे क्यों नहीं बेस्ट आएगा? तो इसलिए मैं गाइस आज मैं आपको बता रही हूँ इसे बनाने के लिए कि आप ये सनस्क्रीन जरूर घर पर बनाएं, इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट भी आएगा गाइस। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं कैस्टर ऑयल मीस की अरंडी का तेल ले रही हूँ और वो भी 2 चम्मच भर के ले रही हूँ, क्योंकि दो मैंने थोड़ा सा पहले बनाना था, मैं गर्मियों का सीज़न है, कुछ पता हो रही है कि ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर हफ्ते के लिए इसे बनाया। तो 2 चम्मच में भर के मैं कैस्टर ऑयल के ले रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल गाइस मेरे पास वाऊ की एलोवेरा जेल है, ये भी पूरी ऑर्गेनिक का है, इसकी इसमें कोई केमिकल नहीं है और सबसे बेस्ट इसका रिजल्ट भी आता है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। अगर आप भी ऑनलाइन मंगवा सकते हो, या कोई भी आपने सिर्फ ये वाऊ की एलोवेरा यूज़ करनी है या पतंजलि की होती है वो यूज़ करनी है, घर वाली जो एलोवेरा जेल होती है वो आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो मिक्स नहीं होती अच्छी तरह से। इसलिए 3 चम्मच भर के मैं एलोवेरा जेल के डाल रही हूँ। तो गाइस एलोवेरा जेल भी आपको पता है स्किन के लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है, टैनिंग को रिमूव करती है, ब्लेमिशेस को रिमूव करती है, जो दाग धब्बे होते हैं उससे क्लीन करती है, डीपली क्लीन करती है स्किन को और अमेजिंग रिजल्ट लाती है, ग्लो लाती है, शाइन लाती है फेस में। तो इसलिए एलोवेरा जेल भी आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हो और एज ए रेमेडी में डाल के यूज़ कर सकते हो, बेस्ट रिजल्ट आता है इससे भी। तो उसके बाद जो 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने, जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ करना है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। ये आपने 2 कैप्सूल यूज़ करने हैं। तो गाइस विटामिन ई के कैप्सूल एंटी एजिंग का काम करते हैं स्किन को। अगर हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा लटक गई है या काफ़ी बूढ़ी हो गई है, उम्र से पहले हमारी स्किन बूढ़ी लगने लगती है, तो हमारी स्किन को जवान बनाती है, हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिलाती है। इसलिए विटामिन ई के कैप्सूल भी गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, स्किन के लिए बहुत ही रिजल्ट अच्छा रिजल्ट देती है, स्किन के लिए सबसे बेस्ट है, स्किन को काफ़ी हद तक टाइट करते हैं और ये स्किन को जवान बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसलिए
दो मैं विटामिन डी के कैप्सूल इसमें ऐड कर रही हूँ और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, मिक्स करते जाना जब तक एक क्रीम फॉर्म में ना आ जाए। तो देखना गाइस बहुत आसानी से जो क्रीम फॉर्म में आ जाएगी, तो उसको उसके बाद फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपने किसी कंटेनर में एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है, ताकि वैसे आप सुबह जब भी आपने धूप में बाहर जाना है आप इसे यूज़ कर सकते हो गाइस। ऑल टाइप स्किन के लिए सबसे बेस्ट है ये, ऑयली स्किन के लिए भी सबसे बेस्ट है, आप इसे लगा के बाहर जा सकते हो धूप में भी, तो आपकी स्किन को पूरा प्रोटेक्ट करेगी ये सनस्क्रीन। तो गाइस मैं तो ज़्यादा मैं नेचुरल रेमेडीज ही यूज़ करती आई हूँ, तो अभी मैंने यही भी नेचुरल रेमेडी से भी ये तैयार किया है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये सनस्क्रीन। आप इसे यूज़ कीजिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लगी। स्किन के लिए सबसे बेस्ट है, अगर आपकी स्किन काफ़ी डल हो गई है, स्किन में कोई ग्लो नहीं है, तो वो भी आप ये यूज़ कर सकते हो, आपकी स्किन में ग्लो एकदम वापस आ जाएगा और स्किन आपकी बहुत ही ज़्यादा शाइन करने लगेगी, ग्लो करने लगेगी। तो प्लीज़ आप इसे यूज़ ज़रूर करना, उसके बाद आप किसी कंटेनर में ऐड कर देना, एयर टाइट कंटेनर हो आपके पास। ये मेरे पास एक कंटेनर था, कोई क्रीम का था, पता नहीं कौन सा था, मैं इसे अच्छी तरह से धो के सुखा के उसके बाद इसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया और मैंने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया। आप भी इसे ऐसे ही यूज़ करना है। ऐसा आपने कि ये सनस्क्रीन कैसे तैयार करनी है, तो अभी मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ। लगाने से पहले आपने अपना फेस अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद फिर आपने अपने फेस पे इसे अप्लाई करना है। तो मैं भी जब अपने बेटे को लेने जाती हूँ स्कूल से, तो तभी इसे मैं लगा के ही जाती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला, बहुत ही मीन्स की मेरे स्किन पर सूट भी कर गई है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है फिर भी मेरी स्किन पर बहुत ही सूट कर गई है। आपने इसे ज़्यादा नहीं लगाना है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि कितना आपने लगाना है। तो इतना आप लगा के आप अपने काम पे जा सकते हो, आपको सन से भी प्रोटेक्ट करेगा, आपको टैनिंग से भी प्रोटेक्ट करेगा। अभी आपको इसे लगा के दिखाती हूँ, हल्की सी आपने थोड़ा सा लेना है, डॉट डॉट करके सारे फेस पे ऐसे लगा देनी है, ज़्यादा आपने नहीं लगानी है, ठीक है जी। इतना लगा के फिर आपने अप्लाई कर देनी है, बहुत ही जल्दी ये आपके फेस पे अब्जॉर्ब हो जाएगी सारा जो भी ऑयल है, जो हमने कैस्टर ऑयल इसमें यूज़ किया है। देखो एकदम ही मेरे फेस पे पूरा अब्जॉर्ब हो गया है। देखो ऐसे ही आपने मेरे फेस पे लगा देनी है, आप लगा के आप धूप पे जा सकते हो, आपको सन से भी प्रोटेक्ट करेगा और स्किन आपकी डे बाई डे ग्लो भी करेगा। तो देखो एकदम ही अंदर से अब्जॉर्ब होगी सारे फेस मेरे फेस पे। मैं हालांकि मेरी स्किन ऑयली स्किन है, फिर भी मेरे स्किन पे ये सनस्क्रीन अब्जॉर्ब होगी, तो ऑल टाइप स्किन में ये पूरी सूट करेगी, ज़बरदस्त रिजल्ट लाएगी, स्किन आपकी डे बाय डे ग्लो करने लगेगी, शाइनर से फाइनर से छुटकारा मिलेगा आपको। तो प्लीज़ आप ये सनस्क्रीन घर पे यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी सनस्क्रीन कैसे लगी। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेती जाऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, लव यू, बाय, टाटा।